Assalamu alaikum everyone. We are just going to wait a few minutes more and then we are going to start today's lecture. In our last class, we were performing the questions of Boolean algebra. So we will continue that. जो भी remaining questions हैं हमारे पास वो हम लोग complete करेंगे अपने पूरे. And after that, we are going to start off with a new chapter that is called, new topic that is called flip flops. Okay, I think we are good to start. Let's see. In our last class, we performed till question number 5, page number 296. We performed one of the numericals, Boolean algebra ki humne equation solve kari thi, that belongs to De Morgan's law. So, kuch remaining questions hai, wo bhi hum log class dekh lete hai, yahan pe unko cover up karte hai. And then we are going to move forward towards the new topic. So let me start P3 and Boolean algebra 308 pe hamare paas ek aur sawal hai. अच्छा क्लास बिल्कुल ही सेम सवाल है ये एज द प्रीवियस क्वेश्चन. सो आप लोग ये वाला क्वेश्चन खुद देख लेगा, बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग ने प्रीवियसली सॉल्व किया था. पूरा सेम क्वेश्चन है आपके पास ऑलमोस्ट. ठीक है, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. बहुत ही आसान सवाल है, सेम है, बिल्कुल सेम एज प्रीवियस वन है, बिकॉज द वेरियंट इज चेंज. सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट आया है. लेट्स सी 3 2 7. क्लास 4 मार्क्स का जवाब क्वेश्चन आ गया यहाँ पे हमारे पास. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 327. एंड वी नीड टू क्लास सिंप्लीफाई द लॉजिक डायग्राम यूजिंग द बूलियन एलजेब्रा लॉज. और लेट्स सी सॉल्व करते हैं क्लास. आप लोग देखें कितनी हमारे पास क्लास इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी इक्वेशन के थ्रू क्लास हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं. इसका ये वाला पार्ट भी हम लोग करते हैं, इसका अगला पार्ट भी मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा. इसके दोनों पार्ट्स हम लोग क्लास क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. ठीक है, वन बाय वन, बिकॉज दोनों पार्ट्स हम इसके पढ़ चुके हैं. तो लेट्स सी, लेट्स सॉल्व क्लास. सिंप्लीफाई करते हैं इसको जरा. हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख लूं क्लास में, यहाँ पे जल्दी से. इक्वेशन इज ए डॉट बी बार डॉट सी बार प्लस ए डॉट बी डॉट सी बार प्लस ए डॉट बी डॉट सी. दिस इज द इक्वेशन क्लास दैट वी नीड टू सिंप्लीफाई. दिस इज द इक्वेशन क्लास दैट वी नीड टू सिंप्लीफाई. ठीक है, सो सबसे पहले क्लास मैंने क्या किया यहाँ पे,
इसके दो तीन मेथड हो सकते हैं क्लास फॉर द सिंप्लीफिकेशन, आप लोग क्लास दो तीन मेथड क्लास यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्लास जो मेथड ऑप्ट कर रहा हूँ, मैं बड़ा सिंप्लीफाइड मेथड यूज कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, मैंने क्लास क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया और मैंने यहाँ पे क्लास कॉमन ले लिया। मुझे यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा था, यहाँ पे मुझे कॉमन नजर आ रहा था। क्लास क्या कॉमन है, सी डॉट सॉरी ए डॉट सी बार इज द कॉमन, ए डॉट सी बार इज द कॉमन। तो मैंने क्लास यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, ए डॉट सी बार मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा मेरे पास, बी बार डॉट सॉरी प्लस बी और प्लस ए बी सी। तो कौन बच्चा मुझे बताएगा क्लास दैट बी बार प्लस बी इज इक्वल टू, एनीवन यू कैन राइट टू मैक्स चैट, बी बार प्लस बी इज इक्वल टू एनीवन। अच्छा जी, वी आर हैविंग आंसर्स। अरे भाई इतने सारे आंसर्स मल्टीपल आ गए भाई, ये क्या हो रहा है। मरियम का जवाब हम लोग क्लास नोट कर लेते हैं। मरियम इज सेइंग सर बी बार प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ठीक है। माज ने भी यही बताया हमें, असद गलत, सलमान ने भी ये बताया, अफान ने भी ये बताया, तो क्लास सिद्रा ने भी हमें यही बताया। तो दिस मीन्स बी बार प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू वन, तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, ए डॉट सी बार इज इक्वल टू वन प्लस ए डॉट बी डॉट सी एंड क्लास ए डॉट सी बार प्लस ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आ गई क्लास हमारे पास यहाँ तक। अब लेट्स सी हमारे पास कोई फर्दर कोई चीज कॉमन आ रही है, कोई फर्दर क्लास कोई चीज कॉमन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास ए कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्लास यहाँ पे ए निकाल लिया। जैसे ही मैंने ए निकाला तो यहाँ पे मेरे पास आ गया सी बार प्लस बी डॉट सी, सी बार प्लस बी डॉट सी। अब अगर आप लोग को याद हो, अगर आप लोग को याद हो तो क्लास दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूलाज। यहां पे कॉमन लेने के बाद क्लास यहां पे भी एक फॉर्मूला लग रहा है, और अगर आप लोग इसको फर्दर फॉर्मुलाइज नहीं करते तो क्लास आपका एग्जामिनर एक नंबर आप लोग का काट लेता। फॉर्मूला क्या लग रहा है यहां पे, कौन सी लॉ अप्लाई हो रही है, लेट्स सी। यहां पे क्लास This is the law that has been applied over here. B A plus A bar into B is equal to A plus B. तो अगर इसको मैं थोड़ा सा क्लास चेंज कर दूं इस फॉर्मूला को, अभी ये फॉर्मूला क्या था मेरे पास, दिस फॉर्मूला वॉज A A plus A bar dot B is equal to A प्लस बी, यही था हमारे पास रूल। दिस लॉ इज कॉल्ड रिडंडेंसी लॉ। हमने क्लास ये लॉ प्रूफ भी किया था, हमने ये लॉ प्रूफ भी किया था अपने पास, एग्जैक्टली ये लॉ था हमारे पास, ठीक है। अब मैंने क्लास क्या किया, मैं थोड़ा इसको चेंज कर दिया। मैंने चेंज क्या किया, मैंने बोला भाई अगर ये इक्वल है, मैंने बोला अगर ए बार प्लस ए डॉट बी तो दिस विल बी इक्वल टू क्लास ए बार प्लस बी, दिस विल बी इक्वल टू क्लास ए बार बी, बिकॉज ए तो आपने क्लास यहां पे बस सिर्फ आपने क्या कर दिया, यहां पे बार वाला ए यूज कर लिया, आपने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज क्लास सेम एज द रिडंडेंसी लॉ। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास इक्वेशन में क्या बन रहा है, सी बार प्लस बी डॉट सी। तो क्लास दिस विल बी इक्वल टू यूजिंग रिडंडेंसी लॉ, this will be equal to a into c bar plus b, and class this is our final answer, this is our simplified form, theek hai। just humne class kya use kiya, humne do laws use kiye, do method humne use kiya, and class we have simplified our equation, theek hai। i hope ye aap logo yahan pe clear hai, koi issue nahi hona chahiye, koi doubt nahi hona chahiye। if you have any doubts you can राइट टू मैक चैट बेटा, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट टू मैक चैट, मैं फिर आप लोग को सिंप्लीफाई करवा दूंगा और फर्दर बता दूंगा, ठीक है। आई थिंक वी आर गुड, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बूलियन एलजेब्रा. अच्छा इसका अगला पार्ट भी था, अगला पार्ट भी था इसका, मैंने अभी देख रहा था मैं जी क्लास. तो अगला पार्ट जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है. अच्छा जी, सी नॉट है और क्लास बी नॉट है, सी नॉट एंड बी नॉट, और ए के साथ नॉट कहीं पे भी नहीं लग रहा है. तो सी नॉट और बी नॉट निकाल लें पहले, तो बी बार सी बार, वन वन जीरो जीरो, वन वन जीरो जीरो, एंड वॉट विल बी सी बार, इट विल बी वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो, ठीक है भाई. नाउ इसको क्लास नाम दे दें वन टू थ्री का. तो पहले वन कैलकुलेट कर लें, वन इज एक्चुअली सी बार और बी बार इंटू ए. वन कैलकुलेट कर लें क्लास जल्दी से. सो दिस विल बी इक्वल टू, जीरो 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 जीरो. अच्छा मैंने एक काम तो किया नहीं क्लास. अच्छा ये डू वी नीड टू रिमेंबर एवरी लॉ विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेम, नरमीन बेटा जो. अच्छा अब मैं हर बच्चे को तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप तो, आप लोग जो अच्छे बच्चे हैं सारे, खासतौर पे आप लोग जब भी पेपर में एग्जाम में लिखे ना, तो लॉ जब भी जो भी लॉ यूज करें उसका नाम भी साथ में लिखें स्पैरल के अंदर, ठीक है. एक अच्छी प्रैक्टिस होती है बहुत ज्यादा. ऑल दो मार्किंग स्कीम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको लॉ के नेम्स याद होने चाहिए, और मल्टीपल मार्किंग स्कीम्स के अंदर वो सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखाता है, वो लॉ का नाम भी नहीं लिखता, लेकिन कुछ मार्किंग स्कीम्स में वो लॉ का नाम भी लिखता है. और एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जामिनर के कमेंट्स होते हैं कि जिन बच्चों ने लॉ के नाम्स लिखे, एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक अच्छी नॉलेज का वो मुजाहरा करते हैं. बस उसमें ये लिखा है कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं या मार्क्स कटते हैं या डिटेक्ट होते हैं या एड होते हैं, ये नहीं लिखा हुआ. लेकिन उन्होंने लिखा हुआ कि एक अच्छी प्रैक्टिस का ये है कि बच्चा जो लॉ यूज कर रहा है उसका नाम भी मेंशन कर दे, ठीक है ना अरविंद बेटा. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे. ओके वेयर वर वी, वी वर क्लास. अच्छा आप लोगों को एक चीज मैं क्लास पहले करवा दूं जरा, लेट्स सी वी आर ऑन पेज नंबर 328. पेज नंबर 328. अच्छा तो वेयर वर भी क्या, हम लोग वन कैलकुलेट कर रहे थे. वन क्या होगा आपका, एंड गेट लगा हुआ है, और एंड गेट में आपको पता है क्लास के जब तक सारे वन ना हो, जब तक सारे वन ना हो तो आपके पास वन नहीं आएगा, कोई एक भी जीरो है तो आपके पास जीरो आंसर आएगा, ठीक है. सो ये हो गया आपके पास, अगेन यहां पे वन आ गया क्लास, बिकॉज ए वन बी नॉट वन सी नॉट वन, तो वन आ गया यहां पे. बाकी क्लास अगेन जीरो एंड अगेन जीरो, ठीक है. बाकी सारे हर केस के अंदर हमारे पास इट वॉज जीरो. टू निकाल लेते क्लास हम लोग यहाँ पे अब जल्दी से. मैंने क्लास टू कैलकुलेट कर लिया. टू क्या होगा आपके पास यहाँ पे, टू आ रहा है, ए सिंपल आ रहा है भाई, बी सिंपल आ रहा है, और सी नॉट आ रहा है, और सी नॉट आ रहा है, ठीक है. जीरो 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 जीरो, बिकॉज आपके ए के चार जीरो, उसके बाद बी में दो जीरो है, क्लास जीरो जीरो, और आखिर में क्लास यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एक वन आ गया, एंड क्लास अगेन रिमेनिंग जीरो. नाउ क्लास लेट्स कैलकुलेट थ्री. थ्री कैलकुलेट कर लेते क्लास, पहले तो चार जीरो हो जाएंगे हमारे पास, बिकॉज ए जीरो है हमारे पास, ये चारों जीरो हैं, तो चार तो जीरो ऐसे ही हो गए. आफ्टर दैट बी भी दो जीरो है, क्लास दो जीरो और हो गए, एंड एट लास्ट ये भी जीरो, और आखिर में सारे बने तो आपके पास एक बना गया. तो मैंने क्लास वन टू थ्री निकाल लिया. नाउ आप सबको पता है दिस इज और गेट, दिस इज और गेट, बट दिस टाइम वी आर हैविंग थ्री इनपुट्स, वी आर हैविंग क्लास थ्री इनपुट्स, आपके पास ये इनपुट्स है क्लास. अब We are having class these inputs. So आपको अच्छी तरह पता है क्लास जीरो 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 वन जीरो वन वन, ठीक है.
क्लास दिस इज आवर फाइनल आंसर। 1, 2, 3 को क्लास आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने परफॉर्म कर दिया 1, 2, 3 के अंदर, आप लोगों ने क्लास परफॉर्म कर दिया सिंपली, और ऑपरेशन 0+0+0, 0+0+0, 0, ठीक है, एंड क्लास 0+0+1+0+0, 1 एंड 1+0+1+0, 1 एंड 0+0+1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगले पार्ट में बोल रहे क्लास के के मैप बना दो ऊपर वाली क्वेश्चन का, तो बच्चों वाला काम है अब आप लोग के लिए, बच्चों वाला काम है आप लोग के लिए के मैप बनाना फॉर द अबव इक्वेशन। सो यहां पे बने एबीसी, सो A1 B0 C0, सिमिलरली यहां पे बने A1 B1 C0 एंड लास्ट ऑल वंस ओवर हियर, ठीक है। जल्दी से ग्रुपिंग कर दें क्लास, 0 0 0 0 0, लेट्स मेक अ ग्रुप ऑफ ग्रीन वंस, पहले ये ग्रुप बन गया, और एक शेयरिंग ग्रुप बना देते हैं क्लास जल्दी से, दिस विल बी द शेयरिंग ग्रुप, ठीक है। सो हमने क्लास सर्किल भी कर दिया यहाँ पे, अब आखिरी पार्ट बोल रहे क्लास के सिंप्लीफाई भी कर दो, तो पहले पर्पल वन क्लास सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं यहाँ पे, पर्पल वन की क्लास ए की वैल्यू 1, और सेकंड वाले में भी क्लास चले पहले ए की कर लेते हैं 1 1 0 एंड 1 0 0, तो कौन चेंज हुआ, बी चेंज हो गया, रिमूव कर दो उसको बी को, तो योर आंसर विल बी ए डॉट सी बार। सी के ऊपर बार क्यों आया, बिकॉज द वैल्यू ऑफ सी वॉज 0, दैट्स वाई इसके ऊपर बार आ गया, ए सिंपल आ गया बिकॉज उसके ऊपर बनती वैल्यू, ठीक है। नाउ द ग्रीन वन, नाउ द ग्रीन वन ग्रुप ए बी सी, तो पहले ये वाला एलिमेंट देख लेते हैं क्लास, यहां पे A1 B1 C0, और ये वाला एलिमेंट क्लास A1 B1 C1, सी आपके पास चेंज हो गया, रिमूव कर दो, बी और क्लास ए आपके पास सेम रहे, दोनों की वैल्यू 1 है, तो क्लास इट विल बी प्लस ए डॉट बी, इट विल बी क्लास प्लस ए डॉट बी, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। सो दिस वॉज क्लास वन ऑफ द क्वेश्चन, हम लोगों ने क्लास भूले आगे भी है भाई, कर ही लेते हैं क्लास कोई, ताकि अच्छा ही आप लोग को थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा, चीजें रिकॉल भी हो जाएंगी आप लोगों को। सो वी नो द पैटर्न 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। जल्दी से मैं देख लेता हूँ क्लास, हेयर यू गो, यहाँ पे एक वन है हमारे पास ए बी सी डी, सो A0 B1 P0 D0, सब जीरो है सिर्फ बी वन है, हेयर यू गो। अगला वन है क्लास ओवर हियर A1 B1 C0 D0, सो A1 B1 C0 D0, हेयर यू गो। अगला है क्लास A1 B1 C0 एंड D1, ओवर हियर, तो यहां क्या बनेगा भाई, C0 है बाकी सब 1, सो हेयर यू गो क्लास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन क्लास सब 1 है, सब 1 है क्लास, ओनली D0, ऑल वंस D0, क्लास ऑल वंस D0 एंड द लास्ट वन क्लास विल बी ऑल वंस, सो ओवर हियर। सो दिस इज आवर पैटर्न, जल्दी से ग्रुपिंग कर लेते हैं, जल्दी से ग्रुपिंग कर लेते हैं क्लास, लेट मी मेक अ पर्पल ग्रुप 1, तो सबसे पहले ऑलवेज गो विद द लार्जेस्ट ग्रुप फर्स्ट एंड देन वी कैन हैव अ शेयरिंग ग्रुप एज वेल ऑफ दीज टू, ठीक है। अब जो पर्पल ग्रुप है क्लास, पर्पल ग्रुप में क्लास मुझे एक चीज अच्छी तरह नजर आ गई, यहाँ पे सी और डी क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, और ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, दैट इज 1 1, तो ए और बी आपके पास क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, और सी डी आपके पास क्या होंगे, चेंज होंगे, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे वैल्यू से सी और डी की चेंज होंगी, तो सी और डी तो हटा दें, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास ए और बी, तो ए डॉट बी। नाउ लेट्स सी दिस ग्रुप, ये ब्लू वन वाला ग्रुप देख लेते हैं जल्दी से, जल्दी से ब्लू वन ग्रुप देख लेते हैं, ब्लू वन ग्रुप ए बी सी डी, यहां पे क्लास आपके पास सी और डी कॉन्स्टेंट रहेंगे,
कॉन्स्टेंट रहेंगे जीरो 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 जीरो, बिकॉज एक ही रॉ के अंदर है आपके पास, आपके पास ए था यहाँ पे जीरो, अगले एलिमेंट में हो गया वन, और आपके पास बी था वन और सी भी वन रहा, तो क्लास कौन चेंज हुआ? ए चेंज हुआ, रिमूव कर दिया। सो आर आंसर विल बी प्लस बी डॉट सी बार डॉट डी बार, दोनों के ऊपर बार इसलिए है बिकॉज द वैल्यूज वर जीरो। ठीक है, सो कितना बड़ा सवाल था क्लास ये, 2, 2, 4, 8 मार्क्स। अच्छा ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, अगर मैं यहाँ पे बी कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 8 और क्लास 4 12 और 1 आपके पास 13 और 2 15, 15 और 4 19 मार्क्स का क्लास सवाल था बूलियन अलजेब्रा का। एंड आई होप बच्चों वाले सवाल लग रहे होंगे आप लोगों को सारे ये, बिकॉज हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस करी, हम लोगों ने क्लास ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड ऑल क्वेश्चंस इन क्लास। ठीक है, 346 पे एक और सवाल है, ये भी करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है क्लास, कोई मसला नहीं है। 346, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्या क्लास खुद कर लेगा, यह बच्चों वाला सवाल है, खुद परफॉर्म कर लेगा, एक सवाल तो आप लोग को करना चाहिए। ठीक है ना, मैं सोच रहा था अगर बूलियन अलजेब्रा का होता तो मैं करवाता, करनाफ में आपका पूरा सवाल है, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, अगर कोई इशू आप लोग फेस करें तो मुझे बता देगा। वी हैव क्वेश्चंस, लेट्स सी, वी हैव क्वेश्चंस क्लास, लेट्स सी, स्टार्टिंग विद, बहुत सारे सवाल हैं भाई, लेट्स सी, वन बाय वन मैं आंसर करूंगा क्लास सबको। अच्छा जी, स्टार्टिंग विद समीर, आपका सवाल है, नरमीन का आंसर हो गया था, समीर से स्टार्ट करते हैं। समीर का सवाल है सर, वन में, सिर्फ वन में 1000 नहीं होगा, वन गलत है, ट्रूथ टेबल इज रॉन्ग, वन कौन सा वाला? समीर आप कौन से सवाल से रेफर कर रहे हैं? अच्छा आपने नीचे करेक्ट कर लिया, ठीक है सर, नेवर माइंड, ठीक है आपने करेक्ट कर लिया। अच्छा जी दुर्नेश्वर सर, KMF वाला रिपीट कर दें, दुर्नेश्वर बेटा चले फिर यही वाला नया सवाल करवा देता हूँ, ये तो हमने इतने सवाल किए KMF के, अब तो रट जाने चाहिए आप लोग को, KMF वाला मैं वापस, अच्छा आ गया समझ में आपको, आपने लिख दिया लेकिन मैं करवा देता हूँ KMF का, ये वाला सवाल भी करवा देता हूँ। वॉट वी विल डू नाउ शयान, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर, सॉरी टॉपिक दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, अगर हमें टाइम बच गया ये वाले सवाल के बाद तो मैं फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करवाऊंगा, बिकॉज वी हैव टाइम टिल 1:15, आप लोग का अभी थोड़ा सा क्लैशेस वगैरह आ रहे थे। शयान इज आस्किंग व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग ऑन कैंपस क्लासेस, ताकि आप मुस्तफा के साथ बैठ के मस्ती करें। अच्छा ठीक है, सो 1 अक्टूबर शयान वी आर प्लानिंग इंशाल्लाह, और आप लोग के अगर सिर्फ लैब्स ही ओपन रही 1 अक्टूबर के बाद भी, तो कंप्यूटर लैब्स में आप लोग की ऑन करवा दूंगा 1 अक्टूबर के बाद, बिकॉज आप लोग, हम लोग प्रैक्टिकल पेपर A2 की प्रोग्रामिंग जो है हम लोग वो प्रैक्टिकल कोडिंग स्टार्ट करवा देंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे इन लैब्स। ठीक है बेटा, असद इज आस्किंग, अच्छा असद एक्सपेरिमेंटी सा, क्वेश्चन नंबर बताओ असद, करवा दूंगा, क्वेश्चन नंबर बताओ सिर्फ। ठीक है समीर फाइन, ठीक है दुरेशवार फाइन, आतिफ अभी तक तो यही है बेटा, अभी तक तो यही है। ठीक है शयान, थैंक, आपने थोड़ी कॉमेडी भी की, थैंक यू सर। टेस्ट कब लेंगे भाई? टेस्ट मेरे तैयार हैं, लैब्स होंगी बिल्कुल दुर्शवार, मैं भी लूंगा आप लोग की कुछ लैब्स, और सर राहिल से भी अगर नहीं, A2 में शायद मैं ही लेता हूँ, मैं ही लूंगा सिर्फ A2 में, सर राहिल नहीं लेंगे शायद, मैं ही लूंगा आप लोग की लैब्स, सर को ASK के बैचेज हैं वो असाइन करने काफी ज्यादा ही है वो भी, तो वो हम सर राहिल को असाइन करेंगे। और फ्लिप फ्लॉप क्लास एवरीथिंग आई थिंक अब आप लोगों की चीजें क्लियर है सारी। आतिफ आपने एक लेक्चर मिस आउट किया था, उसको गो थ्रू करना, बहुत क्वेश्चंस कराए मैंने फ्लिप फ्लॉप के, ठीक है KMF के, करनाफ मैथ्स के ऑलमोस्ट सारे करवाए, ये एक क्वेश्चन सिर्फ छोड़ रहा हूं मैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस अगर देखोगे गो थ्रू करोगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है अब हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक, और टेस्ट कब होंगे? अच्छा ये सवाल था, टेस्ट मेरे पास क्लास आर प्रिपेयर्ड रेडी है टेस्ट, व्हेन वी विल बी क्लास ऑन कैंपस, तो ऑन कैंपस ले लेंगे, कंडक्ट कर लेंगे, अगर नहीं हो पाया
तो एक टेस्ट तो अभी मैं आप लोग का ऑनलाइन अभी अनाउंस कर दूंगा, और थोड़ा सा बस मुझे इश्यू ये आ रहा है कि आप लोग की आईडीज मुझे क्रिएट करनी पड़ेंगी ऑन माय पोर्टल, क्योंकि मैं गूगल क्लासरूम गूगल टेस्ट वेस्ट के ऊपर मैं टेस्ट नहीं लेता भाई, एक प्रॉपर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर टेस्ट होना चाहिए जो सोली मतलब बना हुआ हो आपको सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए। तो मेरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जस्ट आई विल बी फेचिंग अप योर डाटा, आप लोग की मैं आईडीज क्रिएट कर दूंगा और आईडीज क्रिएट करके आप लोग को असाइन कर दूंगा, और आप लोग जस्ट एक यूआरएल आप लोग को मिलेगा, आप लोग लॉग इन करेंगे। जैसे ही आप लोग लॉग इन करेंगे आपके सामने ए टू कंप्यूटर साइंस लिखा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड एंटर करेगा और आप लोग अपना टेस्ट स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को पूरे स्टेप्स बताऊंगा ये टेस्ट आप लोग का कंडक्ट करवाने, एंड इट विल बी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करते हैं इसको, और आप लोग को मैं सारी डिटेल्स टेस्ट की डिटेल टाइमिंग यूआरएल आईडीज सब आप लोग के साथ शेयर कर दी जाएंगी। मुझे जरा ये बताएं, एक बात बताएं मुझे, आप लोग जो आप लोग अपने पोर्टल के ऊपर बैठते हैं, जो हाइब्रो के पोर्टल के ऊपर आप लोग लॉग इन करते हैं, अब हर बच्चे की अपनी अपनी एक आईडी बनी हुई और पासवर्ड बना हुआ है, ये आईडी और पासवर्ड आप लोगों को कैसे मिलता है? मतलब इंडिविजुअली, या फिर आपके पास पूरी एक एक्सेल फाइल होती है उसमें सब बच्चों के लिखे हुए होते हैं, या इंडिविजुअली आप लोग को ये व्हाट्सएप किया जाता है, किस तरह किया जाता है ये मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करें। यू कैन राइट टू मैथ चैट, शेयर्ड वाया मैसेज, इंडिविजुअल मैसेज होते हैं ये सारे, फोन पर मैसेज होते हैं। ठीक है, और ये सबके सेपरेट होते हैं इंडिविजुअल, किसी को किसी की आईडी नहीं पता। परफेक्ट, ठीक है, तो बस मैं अपने उस पोर्टल के ऊपर भी यही काम करूंगा, और मैं आप लोग का टेस्ट इंशाल्लाह कंडक्ट करूंगा, और आसान से मजेदार सा टेस्ट होगा, यूजर डिफाइंड डेटा का टेस्ट करेंगे एक, और वो टेस्ट मैं आप लोगों को फिर आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है, अबाउट द टेस्ट एज वेल। खैर, तो क्लास लेट्स स्टार्ट, हमारे पास वी हैव 15 मिनट्स, एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द टॉपिक दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। नाउ लेट्स सी, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास फ्लिप फ्लॉप, अभी मैं आप लोग को बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं आप लोग को अभी मैं क्लास में इन्फॉर्म कर रहा हूं, दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ P3। सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को ये फ्लिप फ्लॉप वाला, ठीक है, सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन प्लीज मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ चलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है जब हम ये टॉपिक एंड करेंगे तो यू वोंट बी फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आपको कोई चीज भी मुश्किल नहीं लगेगी, एंड यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग सर ये तो बहुत ही आसान टॉपिक था, आप इसको मुश्किल क्यों बोल लेते। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ पे हम लोग। प्लस आज तक जितने भी आप लोग दुरेश अवार बेटा ऑन व्हाट्सएप ग्रुप बेटा आई विल इन्फॉर्म यू, मुस्तफा सर, सर रुफुस को बोले रिकॉर्डिंग अपलोड कर दें, मैं सर रुफुस को एक दिन कॉल पे ले आऊंगा आप लोगों के साथ ना मीटिंग में, फिर बात करेंगे उनके साथ। असल में सर रुफुस इज टू बिजी, बहुत लोड है उनके ऊपर, मैं बोलते हुए भी मुझे अजीब सा लगता है उन्हें, लेकिन मैं अपलोड करवाता हूँ, रिक्वेस्ट कर दूंगा उन्हें मैं कि सर वापस से आप काइंडली अपलोड कर दें सो दैट बच्चों को सारी हमारे पास रिकॉर्डिंग मिल जाए। नाउ क्लास लेट्स स्टार्ट विद द फ्लिप फ्लॉप्स। अच्छा, मैंने एक चीज बीच में हमारी रह गई थी, मुझे अभी याद आ रहा था, इंटरनेट कम्युनिकेशन के चैप्टर्स के हमने पास पेपर्स नहीं करे हुए, तो वो भी करने क्लास, ठीक है ना, तो मे बी पॉसिबल इस सैटरडे शायद मैं आप लोगों को सिर्फ इंटरनेट कम्युनिकेशन के चैप्टर्स के पास पेपर्स करवाऊं, मुझे रिकॉल करवा दें अगर हम लोगों ने किए ही नहीं करे, मुझे याद नहीं आ रहा। नॉट डन ना, हाँ नहीं करे, तो इंटरनेट कम्युनिकेशन के हमें क्लास पास पेपर्स करने, तो नहीं नहीं शयान करवाऊंगा, उसके अंदर बहुत सारी ना डायग्राम्स बनानी है, लाइक राउटर लगाना है, स्विच लगाना है, तो कुछ डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस तो मुझे करवाने पड़ेंगे, बाकी जो थ्योरी वाले वो तो जल्दी जल्दी हम लोग स्किप आउट कर देंगे भाई, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दैट, वो तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट करने के बाद हम लोग इंटरनेट कम्युनिकेशन के चैप्टर्स पास पेपर्स कर लेंगे सारे, अच्छा आप लोगों को रिकॉल भी हो जाएंगी सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी थी, काफी डिटेल के अंदर सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो वो रिकॉल भी हो जाएगा हमारे पास, और इंटरनेट कम्युनिकेशन के बाद आफ्टर परफॉर्मिंग द पास पेपर एक छोटा सा आप लोगों का टॉपिक था क्लास फाइल हैंडलिंग का, वो हम लोग कवर अप कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट टॉपिक
आफ्टर दैट टॉपिक मैं आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम कराऊंगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम करवाने के फौरन बाद मैं आप लोग को रोक दूंगा P3, और मैं आप लोगों को क्लास पेपर फोर हम लोग फिर पैरेलल के अंदर स्टार्ट करेंगे, और पेपर फोर के अंदर वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे, और मीन वाइल हम लोग पैरेलल के अंदर वी विल बी टेकिंग P3 अलॉन्ग, और P3 आपके पास जल्दी कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज इतना कोई खास इतना लेंदी नहीं है, P4 लेंदी है क्लास P4 में इतनी ऐसी बहुत डिटेलिंग वाली चीजें और कुछ टॉपिक्स काफी अच्छे भी मजेदार भी हैं। सो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स। तो क्लास फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं आपके पास, आज तक आप लोग जितने भी लॉजिक सर्किट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं फ्रॉम क्लास 5 से लेके, आई थिंक क्लास 5 में शायद पढ़ाते हो, यस चले क्लास 6 से लेके, चले क्लास 7 कर लें, 7 से लेके आप लोगों ने एस लेवल तक जितने भी आप लोगों ने लॉजिक सर्किट्स पढ़े, ऑल द लॉजिक सर्किट्स क्लास वर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं, जिनका आउटपुट डिपेंड करता है क्लास, डिपेंड्स ऑन इनपुट ओनली। तो दीज सर्किट्स क्लास आर कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जिनका आउटपुट ओनली डिपेंड करता है क्लास आपके इनपुट्स के ऊपर। वी हैव क्लास, हमारे पास क्लास अब जो हम लोग सर्किट्स पढ़ने जा रहे हैं, दीज सर्किट्स क्लास आर एक्चुअली कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स। नाउ व्हाट आर सीक्वेंशियल सर्किट्स, व्हाट आर सीक्वेंशियल सर्किट्स क्लास, इनका आउटपुट depends on input, सर दोनों सेम ही तो हो गए, as well as previous output, as well as previous output के ऊपर भी आपका क्या करता है, इनका आउटपुट डिपेंड करता है। ठीक है, इनपुट के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन प्रीवियस आउटपुट के ऊपर भी इनका आउटपुट आपका क्लास डिपेंड करता है, एंड दीज टाइप ऑफ सर्किट्स क्लास आर कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट। लेट मी ड्रॉ अ स्मॉल डायग्राम क्लास फॉर यू ऑल, सो यू कैन सी कि व्हाट आर सीक्वेंशियल सर्किट्स। मैंने क्लास यहां पे एक गेट बनाया, दिस गेट क्लास आप सबको पता है दिस इज द नॉट गेट, और मैंने इस नॉट गेट के साथ क्लास थोड़ी सी छेड़खानी करी, एंड क्लास यहां से मैंने एक तार लिया, एक वायर लिया, एंड मैंने ये वायर क्लास कंबाइन कर दिया ओवर हियर। तो क्लास सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू रखी क्लास 0, आप सबको पता है क्लास व्हाट विल बी द आउटपुट, द आउटपुट विल बी, लेट्स से द आउटपुट इज बी, दैट विल बी क्लास 1। अब ये 1 क्लास ट्रेवल करता हुआ यहां पर आया वापस से, नाउ क्लास ये 1 इनपुट हुआ, आपको आउटपुट क्लास क्या मिलेगा 0, देन क्लास 0 वापस गया यहां पे, देन 1 एंड सो ऑन। तो क्लास दिस टाइप ऑफ सर्किट्स क्लास आर कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स। नाउ वी आर गोइंग टू क्लास स्टडी सीक्वेंशियल सर्किट्स। अब बात करते हैं अबाउट द टॉपिक दैट वी हैव स्टार्टेड, द टॉप हेडिंग दैट वी स्टार्टेड दैट वाज फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप क्लास असल में इसको आप लोग फ्लिप फ्लॉप नहीं बोलते, इसका असल नाम होता है जो आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, इसका असल नाम होता है क्लास लैच। इसका असल नाम क्या होता है, लैच, बट आई डोंट नो व्हाई, क्यों आपकी एग्जामिनर क्लास इसको फ्लिप फ्लॉप बोलता है। फ्लिप फ्लॉप इज अ डिफरेंट थिंग, हाँ फ्लिप फ्लॉप आपके सिलेबस का पार्ट है बिल्कुल, लेकिन दैट इज जेके फ्लिप फ्लॉप। अभी जो स्टार्टिंग की जो आप लोगों को क्लास चीजें पढ़ाई जाती है, दोज आर नॉट फ्लिप फ्लॉप, दोज आर क्लास लैचेस। लैचेज और फ्लिप फ्लॉप क्लास बोथ आर डिफरेंट, समझ लें, ऐसे समझ लें आप लोग लैचेज और फ्लिप फ्लॉप के अंदर
कि लेट जो है आपके पास लेट से आपके पास लेट जो है वो आईपैड है और फ्लिप फ्लॉप आईपैड प्रो है, तो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है लेट का ही, तो एडवांस वर्जन ऑफ लेट को हम लोग कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। लेकिन स्टार्टिंग में जो आप लोग सर्किट पढ़ेंगे क्लास, दो सर्किट आर एक्चुअली लैचेस, लेकिन आपका एग्जामिनर उनको भी क्लास क्या कॉल करता है, he called those circuits as flip flops. तो flip flop का काम क्या होता है, flip flop का काम क्या होता है, they are used to store memory. Class, they are used to class store memory. आपका memory storage के लिए भी use flip flops. आपकी जो DDR RAM होती है, जो आप लोग की आजकल जो रैम्स आ रही हैं, दोज रैम्स आर क्लास मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। क्लास फ्लिप फ्लॉप से आपकी एस रैम जो होती है, आपकी एस रैम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। डी रैम का तो आपको पता है, डायनेमिक रैम इज मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स, उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, चार्जिंग हम लोगों ने पढ़ा था ना। और एस रैम क्लास आपके पास बनी हुई होती है, अगर मैं आप लोग को रिकॉल करवाऊं थोड़ा सा, सेक्शन डी में चलते हैं, लास्ट ईयर मेमोरी में आप लोग को पढ़ा रहा था और मैंने आपको पढ़ाया था एस रैम वर्सेस डी रैम। तो ये देखिए क्लास, 8 अक्टूबर 2019 12 बजे मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ट्यूसडे वाले दिन मैंने आपको बताया था कि एस रैम्स आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो क्लास ये वही फ्लिप फ्लॉप है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटेल के अंदर, और मैंने आपको आई थिंक उस क्लास में भी बताया होगा कि फ्लिप फ्लॉप को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे ए टू लेवल के अंदर, ठीक है। तो वही फ्लिप फ्लॉप क्लास अब आपके पास यहां पर आ गया वापस से, एंड वी आर स्टडिंग दैट फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप क्लास क्यों होता है, दे आर यूज्ड टू क्लास स्टोर मेमोरी, और फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्लास जो सर्किट यूज होते हैं क्लास, दो सर्किट आर सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है आप लोग को यह भी पता है, जिनका आउटपुट क्लास डिपेंड करता है ऑन इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट एज वेल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कुछ भी आज की क्लास में नहीं पढ़ा रहा फर्दर, ठीक है। जस्ट एक बच्चों वाला सवाल करता हूं आप लोगों से, जस्ट एक बच्चों वाला सवाल करता हूं आप लोगों से। मैंने आप लोग के सामने क्लास एक लॉजिक गेट बना दिया, मैंने आप लोग के सामने क्लास क्या कर दिया, एक लॉजिक गेट बना दिया, एंड क्लास मैंने इसका नाम भी लिख दिया नॉर गेट, और मैंने क्लास इसके इनपुट भी बता दिए ए और बी, मैंने इसका आउटपुट भी बता दिया आपको सी, मैंने इसका ट्रुथ टेबल भी आपके सामने बनाया ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1, मैंने इसका आउटपुट भी आप लोग के लिए लिख दिया, द आउटपुट विल बी और गेट है, इट्स आउटपुट विल बी क्लास 1 0 0 0, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे, आप तो बनाए जा रहे हैं, आप तो बनाए जा रहे हैं, आप तो सब चीजें आपने खुद कर दी। नाउ क्लास माई क्वेश्चन इज, अब मेरा क्वेश्चन है, ये जो इसका ट्रूथ टेबल का आंसर है, इस आंसर में, इस रिजल्ट में आप लोग को क्या नजर आ रहा है, क्या चीज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस आंसर के अंदर, इस रिजल्ट के अंदर? नहीं भाई जैन, फ्लॉपी डिस्क कहां से आ गया यहां पे? आतिफ 115 के ऊपर है क्लास आप लोग की, ठीक है, मैं आप लोग को छोड़ूंगा, 115 पे आप लोग ज्वाइन करेंगे। मुस्तफा हैज पिक अप द पॉइंट क्लास, मुस्तफा ने पिक कर लिया, क्या चीज है? असद तुम दानियाल से पूछ पूछ के मत लिखो। एमन ने भी क्लास पिक कर लिया कि सर ये जोर गेट है, जबरदस्त एमन, क्या बात है बेटा, जबरदस्त। जोर गेट क्या चीज बेटा, क्या जोर, यहां पे जोर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा सेम मुस्तफा ने सिर्फ अभी तक क्लास पिक किया है, अमंग 70 स्टूडेंट्स, 70 बच्चों में सिर्फ एक बच्चा जवाब देगा क्या? सर ये गेट है। अच्छा आतिफ थैंक यू। अच्छा कैरी एंड सम, नहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सिद्धरा बेटा यहाँ पे कैरी एंड सम का। भाई थोड़ा सा जुहेर बढ़ा के बताना पड़ता है ना। नॉर गेट है, नबील ने बता दिया, थैंक यू नबील।
अब्दुल्ला जावेद क्लास हैज पिक्ड अप द राइट आंसर. आई डोंट नो आप कौन से ग्रुप में थे मेरे, मुझे याद नहीं है, लेकिन यू हैव राइट आंसर बेटा, आपने भी सही जवाब दिया है. शयान कहां है ये, सिदरा कहां है ये, और कहां है अफान कहां है, जुहेर आप कहां है. एक कॉमन चीज पकड़नी है आउटपुट के अंदर, आप लोग क्यों नहीं पिक कर पा रहे. आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है ये तो, इसके अंदर तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं. नौफिल ने क्लास पिक कर लिया, चलें क्लास में आप लोगों को बताता हूं, आप लोग के बड़े अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं. अच्छा गुड अब्दुल्ला बेटा, आपसे फिर इंशाल्लाह ऑन कैंपस जब मुलाकात होगी तो फिर देखेंगे, ठीक है. सो अब्दुल्ला ने क्लास हमें बताया, मुस्तफा ने हमें बताया, बोले सर ये देखे जरा, जब भी सर आपके पास वन आ रहे हैं ना, किसी भी एक इनपुट में सर अगर आपके पास वन आ रहे हैं ना, तो आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली जीरो आएगा. सर यहां पे वन आया, आउटपुट जीरो हो गया. सर यहां पे वन आया, आउटपुट जीरो हो गया. तो दिस इज द पिकअप क्लास फ्रॉम आर नॉर गेट टू टेबल, कि कोई एक इनपुट भी या ए या बी, कोई एक वैल्यू भी अगर आपके पास वन हो जाएगी, तो आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली क्लास क्या होगा, इट विल बी जीरो. ये बात आप लोगों को याद रखनी है क्लास, फॉर द नॉर गेट ये बात याद रखनी है नॉर गेट के अंदर. और आई थिंक ये बात आप लोग, बड़ी कॉमन बात है, आप लोगों को खुद बता देनी चाहिए थी मुझे, ठीक है. सो दैट्स इट, आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. आप लोगों की फिजिक्स क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो सैटरडे वाले दिन क्लास को हम लोग आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे, इसको लेकर चलते हैं. मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा, आप लोग को बोरिंग नहीं है. अब जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं P3 P4 के, सब मजेदार हैं, बहुत इंजॉयबल टॉपिक्स हैं, बिकॉज ऑल द टॉपिक्स इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना. चलें आज यहीं तक रहते हैं, शायद अगली क्लास इसको आगे कैरी ऑन करते हैं. बिरयानी खानी है क्लास मुस्तफा को, सही है मुस्तफा, ठीक है. अच्छा जी फैजान इज सेइंग सर जूम आउट कर दे. फैजान व्हाई नॉट, बिल्कुल मैं आपके लिए जूम आउट कर दूंगा. अरे फैजान थैंक यू. अल्लाह हाफिज, थैंक यू.